एमपी चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ कांग्रेस से आए एक समर्थक का टिकट भी काट दिया गया। आपको बता दें कि पार्टी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का पार्टी से टिकट काट दिया। उनके बदले लाल सिंह आर्या को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि लाल सिंह आर्या गौहर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और एमपी सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव ने लाल सिंह आर्या को हराया था। हालांकि बाद में रणवीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आ गए। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। बीजेपी ने गौहर से रणवीर जाटव उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, लेकिन रणवीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए। इसके बाद से ही संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्य को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का पत्ता काट दिया और लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि रणवीर जाटव बीजेपी में बने रहते हैं या फिर टिकट कटने के बाद नाराज होकर वह कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं।